लेकिन देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यूं तो पूरे देश में गणपति उत्सव मनाया जाता है, लेकिन मुंबई समेत अगर पूरे महाराष्ट्र की हम बात करें तो इस मौके पर अलग ही तस्वीर नजर आती है। लिहाजा वहां इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इस साल 19 सितंबर से शुरू होने वाला ये त्योहार 10 दिनों तक लगातार चलेगा और मुंबई में मूर्तियां बनकर तैयार हो रही हैं। पंडाल सजने का काम लगातार जारी है। गणपति के स्वागत के लिए बप्पा के भक्त जो है उत्सुक नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र जो है तैयार होकर चमक धमक बिखेर रहा है। गणेश उत्सव को लेकर महाराष्ट्र में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कारीगर दिन रात मेहनत में जुटे हुए हैं। मुंबई में अलग अलग गणेश मंडलों की थीम के हिसाब से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ गणपति मंडल हैं हजारों की संख्या में जो अलग अलग तरीके से बप्पा के आगमन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। पूरी मुंबई को लाइट और अलग अलग तरीके से सजाया जा रहा है। बड़े बड़े पंडाल अलग अलग थीम रख रहे हैं। वहीं जो कारखानों में मूर्तियां बनती हैं वहां पर भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं और मूर्तियां बन रही हैं। ये मूर्तियां तेजुकाया मंडल की हैं जो इको फ्रेंडली हैं। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेपर से ये मूर्तियां बनाई जा रही हैं। बीएमसी ने गणेश मंडलों से इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने की अपील भी की है। हालांकि तेजुकाया मंडल पहले से ही इको फ्रेंडली मूर्तियां ही बनवा रहा है। हम लोग के अभी मंडल को इस साल 57 ईयर्स हो गए। 4 साल पहले 2019 में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पूरा कागज का इको फ्रेंडली मूर्ति बनाया था। 22 फीट का मूर्ति था, वर्ल्ड में पहला इतना बड़ा कागज का मूर्ति हम लोगों ने बनाया। अभी उस साल से अभी 5 साल हम लोग एवरी ईयर कागज का मूर्ति बना रहे हैं और अभी बहुत सारे मंडल ने भी पर्यावरण पूरा कागज का मूर्ति बनाने के लिए चालू किया। मुंबई में इस साल अयोध्या के रामराज्य को दिखाने की भी तैयारी है, इसलिए गणपति की मूर्ति के अलावा परशुराम की मूर्ति के साथ ही अयोध्या का सेटअप भी तैयार किया जा रहा है। अभी क्या सब राम राज्य का चालू है तो सब सभी को राम का ही ये ज्यादा ऑर्डर आने लगे। हम भी वैसे ही कर रहे हैं, उनकी डिमांड वही चल रही है राम के ऊपर। इस बार 19 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में न सिर्फ गणपति के आगमन की बल्कि विसर्जन की तैयारियां भी हो रही हैं। कल्याण डोंबिवली में पहली बार विसर्जन के लिए फ्लोटिंग जेटी का इस्तेमाल होगा। डोंबिवली के गणेश विसर्जन घाट पर इसके जरिए 10 टन तक के वजन की मूर्तियों का विसर्जन किया जा सकेगा।